हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधि से संघर्षरत किशोर 4 लाख रुपए से भरा बैग चोरी कर ले जाता पकड़ा। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के आदेश अनुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में वर्तमान बढ़ती चोरियों की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर बैंकों के पास हो रही चोरियों को रोकने एवं इस कार्य में लिप्त आरोपियों की तलाशी के तहत एक विधि संघर्षरत किशोर निरुद्ध को 4 लाख रुपए से भरा बैग चुराते गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि प्रार्थी कल्याण सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति चारण पेशा अध्यापक निवासी रेंदड़ी ने राजपोल गेट स्थित SBI बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर अपने काले रंग के थैले में डालकर मोटरसाइकिल पर लगे थैले में रखकर रवाना हुआ। उसी दौरान एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने प्रार्थी कल्याण सिंह को SBI बैंक के बारे में पूछताछ करने लगा। इसी दौरान गाड़ी के बैग में रखे 4 लाख रुपए से भरा बैग एक छोटा बच्चा चोरी करके भागने लगा, तो प्रार्थी ने चोर चोर की आवाज लगाने पर ट्रैफिक कांस्टेबल रमेश जाजड़ा ने पीछे भागकर वहां पर उपस्थित लोगों की सहायता से उस लड़के को काका चौराहे पर पकड़ा तथा उसके पास से 4 लाख रुपए से भरा बैग बरामद किया। पुलिस ने विधि संघर्षरत किशोर निरुद्ध को दस्तयाब कर उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि विधि से संघर्षरत किशोर व उसके सहयोगी गिरोह द्वारा दिन में बैंकों के आसपास घूमकर रुपए निकालने वाले व्यक्तियों पर छोटे बच्चों से रेकी करवाई जाकर उनका पीछा करना, उनको बातों में उलझाकर चोरी करना है। ये गिरोह मध्य प्रदेश राजगढ़ का है। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।